हाय गाइस, आपके चैनल मैथमेटिक्स पावर में फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग हार्मोनिक फंक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में इसे क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को लैप्लेशियन फंक्शन, लैप्लेशियन ऑपरेटर और लैप्लेशियन फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्या होता है लैप्लेशियन फंक्शन, पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लैप्लेशियन फंक्शन, देखिए लैप्लेशियन फंक्शन होता है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि सेकेंड ऑर्डर का होता है। ठीक है, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लैप्लेशियन इक्वेशन, इज कॉल्ड लैप्लेशियन इक्वेशन। क्या लैप्लेशियन इक्वेशन क्या है? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल मतलब क्या? डेल एस स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे कोई फंक्शन और यहां पे कोई फंक्शन हमारा आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का लैप्लेशियन फंक्शन। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर और जो फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है साई, ठीक है, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन साई जो यहां पे आता वो फंक्शन हमको आएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका और ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा लैप्लेशियन इक्वेशन। अब ऐसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइड दिस लैप्लेशियन इक्वेशन, ठीक है, तो यानी कि सॉल्यूशन ऑफ दिस लैप्लेशियन इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, यानी जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ, अगर इसको इक्वेशन वन कह देते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि ये साई ही जो फाई है, ये फाई ही हार्मोनिक फंक्शन बनेगा यदि इसको सेटिस्फाई कर दिया। अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये लैप्लेशियन इक्वेशन, तो ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए कि हार्मोनिक फंक्शन यहां पे हम लोग को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में क्यों पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में हार्मोनिक फंक्शन का क्या यूज है। तो एक थ्योरम है हमारा, ठीक है, थ्योरम है कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, इज एनालिटिक, देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन, आर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। मैं कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन पे भी आऊंगा, अभी आप हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, यानी कि वो लैप्लेशियन ऑपरेटर को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इसके देखते हैं प्रूफ हम लोग। देखिए, गिवन है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, ठीक, गिवन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक,
एनालिटिक जब भी हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएगा। ठीक, तो सीआर इक्वेशन यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई पहला, और दूसरा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ द डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए क्योंकि सीआर इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो एफ जेड इज एन एनालिटिक देन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट। देखिए डेल एक्स तो है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई। वाई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई। आप ठीक है, तो ये हमको आया, इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए। अब आइए सेकेंड फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन पे, ये डेल वाई है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए फिर सिमिलरली यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर हुआ था यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन सॉरी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर वाई। ठीक है, डेल वाई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक हमारा डेल वाई आ गया, इसको इक्वेशन टू कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के राइट हैंड साइड को अगर हम ऐड करते हैं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल वी माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, अगर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिल रहा है जीरो, और देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है लैप्लेसियन ऑपरेटर। मतलब कि अगर हम इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करेंगे तो एल एच एस क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसका एल एच एस क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारा क्या है जीरो। ये देखिए ये दोनों ऐड करने पे जीरो। तो देखिए ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लैप्लेशियन ऑफ डेल स्क्वायर, इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहते हैं डेल स्क्वायर इनटू यू। देखिए वहां पे जो मैंने फाइ लिया था जनरल वो यहाँ पे यू आ गया इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यू हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, तो जब यू हार्मोनिक फंक्शन है तो सिमिलरली वी भी हार्मोनिक फंक्शन होगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। यह प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों ऐड करेंगे तो हमको डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। यानी कि हमने देखा कि यू और वी दोनों लैप्लेशियन ऑपरेटर को सेटिस्फाइड करा रहा है। ठीक, और क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर को सेटिस्फाइड करा रहा है और यहाँ पे एनालिटिक भी है। ठीक है, तो याद हम लोग को क्या रखना है कि फंक्शन अगर एनालिटिक और फंक्शन हार्मोनिक, देखिए जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन हार्मोनिक हो वो एनालिटिक हो, क्या ना, हार्मोनिक होने के लिए हम लोग को एनालिटिक का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हो सकता है कोई भी फंक्शन हार्मोनिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली वो लैप्लेसियन ऑपरेटर को सेटिस्फाइड कराएगा। लेकिन तो जैसा जो फंक्शन सिर्फ लैप्लेसियन ऑपरेटर को सेटिस्फाइड करा दे लेकिन हार्मोनिक फंक्शन सॉरी यानी कि जो एनालिटिक नहीं तो उस फंक्शन को हम लोग ओनली हार्मोनिक बट नॉट एनालिटिक कहेंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन को कहेंगे क्या, हार्मोनिक फंक्शन, ओनली हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन जो सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कराए और लैप्लेशियन ऑपरेटर यानी कि लैप्लेशियन फंक्शन को भी क्या करें सेटिस्फाइड कराए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि एक तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है आर हार्मोनिक फंक्शन, ये यहाँ पे कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन सही तरीका से होगा लिखने में। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि इफ यू एंड वी सेटिस्फाइज only Laplacian equation but do not satisfy the CR equation then U and V are only harmonic function. Then U and V are only harmonic function. यानी कि अगर U और V सिर्फ Laplacian equation को satisfy करता है तो और CR equation को नहीं तो उसको केवल harmonic function बोलेंगे, ठीक। लेकिन second number note, first note है ये, ठीक है, सेकेंड नंबर नोट, इफ यू एंड वी सेटिस्फाई बोथ लैप्लेशियन इक्वेशन एंड सीआर इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड कंजुगेट, ओके, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। ये नोट जरूर कर लीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन जो सॉल्विंग होगा इसी नोट पे, ये दोनों नोट पे वेस्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हार्मोनिक फंक्शन Laplacian इक्वेशन से कैसे रिलेट करता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कैसे हार्मोनिक बनता है, ठीक, किसी फिक्स कंडीशन। देखिए ये जो Laplacian इक्वेशन है या फिर सोल्यूशन ऑफ Laplacian इक्वेशन जिसको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, ये बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग को जो ये हार्मोनिक फंक्शन है Laplacian इक्वेशन, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत जगह यूज होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना होता है हम लोग को, वहां पे बहुत सारा यूज है हमारा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, इरोटेशनल रोटेशनल फ्लो में भी हमको ये Laplacian इक्वेशन का यूज है, ठीक है। और जो सोल्यूशन ऑफ Laplacian इक्वेशन है वही हार्मोनिक फंक्शन है, तो इसका वर्सेटाइल यूज है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन और कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन को हार्मोनिक कंजुगेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन।